मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक बात कहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए लाल बटन दबाकर, और उसके बाजू का ब्लैक बेल आइकन दबाकर हमारे से जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का विषय है इंजेक्शन डायनापर। ये इंजेक्शन डायनापर है दोस्तों, इसका क्या यूज़ होता है, कैसा इसका काम है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इंजेक्शन डायनापर ये किस कंडीशन में दिया जाता है? इंजेक्शन डायनापर जो है ये पेन में दिया जाता है। पेन मतलब दर्द। तो हमारे शरीर में दर्द कैसे कैसे हैं, किस प्रकार के हैं? हमारे शरीर में अनेक प्रकार के दर्द हैं, जैसे कि हमारा सर दुख रहा है, आँख दुख रहा है, पेट दर्द है, फिर बॉडी एक है, जॉइंट पेन है, कौन सा भी पेन हो है तो इस कंडीशन में हम ये इंजेक्शन डायनापर दे सकते हैं। फिर और क्या कंडीशन है जिसमें हम इंजेक्शन डायनापर दे सकते हैं? फीवर, बुखार में, बुखार जब आती है तो दोस्तों बुखार में भी हम ये इंजेक्शन डायनापर दे सकते हैं। और क्या क्या कंडीशन है जिसमें हम इंजेक्शन डायनापर दे सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। इंजेक्शन डायनापर ये फिर किस प्रकार से दिया जाता है? इसको कमर में दिया जाता है। इसमें जो है कंटेंट क्या है, डाइक्लोफेनेक सोडियम ये कंटेंट होता है। इसको नॉन स्टीरोइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स कहा जाता है, एनएसएड जिसको हम कहते हैं। तो इसको कमर में दिया जाता है। ये 1 cc के फॉर्म में आता है 1 ml के, और ये 3 cc के भी फॉर्म में आता है। अभी हमारे हाथ में जो इंजेक्शन है वो 3 cc का है दोस्तों, तो पूरा 3 cc हम लेकर इसको कमर में देते हैं। तो 3 cc किसको देते हैं हम? जो एडल्ट है, जिसकी उम्र ज़्यादा है, और जिसकी उम्र समझो कम है, जिसकी उम्र 14 साल है, उसको 1.5 ml दिया जाता है अगर 3 cc का है तो। अगर 1 cc का एम्पुल है तो उसमें से आधा देंगे। और इंजेक्शन डायनापर किस कंडीशन में दिया जाता है? जैसे कि हमने अभी बताया कि कमर में दिया जाता है। इसको IV भी दिया जा सकता है। IV कैसे देते हैं? लेकिन IV डायरेक्ट नहीं दिया जाता इसको। एक तो इसको 100 ml NS में, 100 ml NS की जो बॉटल होती है उसमें फोड़ कर डाला जाता है, और IV के थ्रू इसको दिया जाता है। इसको डायरेक्ट IV में पुश नहीं करते, डायरेक्ट पुश करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत, ठीक है। और इंजेक्शन डायनापर हम किस किस कंडीशन में देते हैं? पेन में देते हैं वो बताया मैंने, फीवर में देते हैं बताया, लेकिन और एक कंडीशन है जैसे कि किडनी स्टोन भी हम कहते हैं, किडनी स्टोन में भी इस इंजेक्शन डायनापर का अच्छा रोल है। आपको किडनी स्टोन का पेन है तो इंजेक्शन डायनापर आप ले सकते हैं दोस्तों कमर में। इसी के साथ आपने और दूसरे बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। इसके साथ आपने इंजेक्शन डायनापर किस कंडीशन में नहीं देना वो भी जो है आपने ध्यान रखना है। किडनी पेशेंट है जिसका सीरम क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, उसको इंजेक्शन डायनापर बिल्कुल नहीं देना है दोस्तों। किसी पेशेंट का अगर BP कम है तो उसे भी इंजेक्शन डायनापर नहीं देना है। किसी पेशेंट को अगर दम लगता है, हार्ट का पेशेंट है, उस कंडीशन में भी इंजेक्शन डायनापर को जो है संभल कर वापरना चाहिए। होप दोस्तों कि ये इंजेक्शन डायनापर का जो वीडियो है आपको पसंद आएगा, और इसी के साथ मैं ये वीडियो को ख़त्म करता हूँ। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।